हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मैं राकेश कश्यप अंबिकापुर से आज अपनी नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ और आज हम चलते हैं घूमने। चलिए दिखाता हूँ कि आपको कहाँ चल रहे हैं घूमने। लेट्स गो। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है। आज मैं आपको अपने शहर का दर्शन कराता हूँ जो कि भगवा रंग से रंगा हुआ है, क्योंकि आज दशहरा है और यहाँ युवा एकता मंच के तरफ से आज ऐसा विशाल रैली का आयोजन किया गया है जिससे पूरा शहर भगवा रंग में रंग दिया गया है, जिस रैली को आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉक में देख पाएंगे। जय माता की। अब हम महामाया मंदिर के अंदर चल रहे हैं। ये महामाया मंदिर का मुख्य द्वार है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि हमारे महामाया मंदिर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसके कारण हर चीज़ साफ़ सुथरा और स्वच्छ दिखाई पड़ता है। यहाँ पे डीजे का प्रोग्राम है शाम को, अगर समय मिला तो ज़रूर देखने आएंगे शाम को रावण दहन के बाद। जय माँ महामाया की। ये चारों तरफ का वातावरण है हमारे महामाया मंदिर का और यहाँ से सेकेंड एंट्रेंस गेट शुरू होता है महामाया मंदिर का और बस हम महामाया मंदिर के अंदर चल ही रहे हैं। चलिए अब दर्शन करने चलते हैं। महामाया मंदिर हमारी कुल देवी के समान है, जो कि कोई भी शुभ काम हो बिना हम महामाया मंदिर में पैर पड़े हुए आगे नहीं बढ़ते हैं। यहीं से आशीर्वाद लेने के बाद ही हम कोई काम करते हैं। जय माँ महामाया। यहाँ धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने की सुविधा है और ये महामाया मंदिर है। जय माँ महामाया। आज अंबिकापुर में धूप भी नहीं खिला है, बादल छाए हुए हैं और हम अपने घर की ओर चल रहे हैं। गर्मी तो नहीं है लेकिन उमस भरा है मौसम। यहाँ हिंदू एकता मंच का बड़ा सा स्क्रीन लगाकर प्रचार चल रहा है जो कि पूरे शहर में लगा हुआ है और यहाँ प्रसाद आप खरीद सकते हैं उचित रेटों पे।